अब देख रहे हैं डल झील के किनारे से हम गुजर रहे हैं। ये हूँ मैं, ये है पीछे आफ्ताब लगा हुआ है कैमरे में क्लिक करने के लिए, और हम आ गए हैं पुरी महल। ये आ गए हम पुरी महल चश्मे शाही। जो हमें लोकल के लिए स्कूटी हमने ली है वो ये है। बाइक लेने की फॉर्मेलिटी सारी लगभग हो चुकी है। कितने ट्रिप किए होंगे आपने लद्दाख के? लद्दाख का आई हैव डन मोर देन 400-500 ट्रिप। 400-500 ट्रिप इन्होंने लद्दाख के किए हैं। और हमारे ईयर की होता है ना सीजन में हमारा 10-15 टाइम जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे, इवन मैंने लास्ट ईयर सोलो किया है उसमें नॉन स्टॉप श्रीनगर ले ले श्रीनगर इन 26 आर हिमालयन पे, और वेदर उसमें -6 हो गया था द्रास में, जो वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। अच्छा ले लद्दाख अगर यहाँ से करें ट्रिप तो कितना है, 1 वीक का कितना है नफर? अराउंड 8 डेज का वो नॉर्मली होता है, क्योंकि आप यहाँ से सोनमर्ग फिर जोजिला से 0 पॉइंट फिर आप द्रास पहुँचेंगे, द्रास के बाद आता है कारगिल, कारगिल में आप नाइट स्टे कर सकते हैं, फिर कारगिल से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमने प्लान बनाया था कि हम जितना भी साइट सीइंग है लोकली वो करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं डल झील के किनारे से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास दो ऑप्शन थे लोकल साइट सीइंग के लिए, एक ये कि हम यहाँ से ऑटो या टैक्सी रेंट करें, दूसरा ये कि बाइक या स्कूटी रेंट कर सकते हैं आप। तो हमने चूज़ किया कि हम स्कूटी रेंट करते हैं, क्योंकि आप बाइक और या स्कूटी नहीं ले तो अगर टैक्सी प्रीफर करते हो या ऑटो भी प्रीफर करते हो तो उसमें क्या होता है ना, वो अपनी मर्ज़ी से चलता है, आपको जहाँ लगता है आपको रास्ते में कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ आप रुकना चाहते हो तो वहाँ रुक नहीं पाओगे। दूसरा उसमें ये रहता है कि आपको सीधा वो पॉइंट पर ले जाएगा, वहाँ पे आपके पास एक टाइम लिमिटेशन होगी, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो शायद नहीं रुक पाए, क्योंकि ऑटो वालों को फिर आगे भी जाना होता है, तो एक लिमिटेड टाइम आपके पास रहता है। फेयर अराउंड दोनों का एक ही पड़ता है, अगर आप ओवरऑल कॉस्ट निकालोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं प्रीफर करूँगा अगर आप बाइक चलाना स्कूटी चलाना जानते हो और यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट, देन यू कैन गो विद दैट ऑप्शन। आई प्रीफर एंड आई सजेस्ट यू टू गो विद दैट। बाकी ये आपके ऑप्शन है। अभी मैं और वसीम दोनों स्कूटी से जा रहे हैं परी महल की ओर, और रास्ते में जो जो भी पॉइंट आएंगे वो हम आपको दिखाते चलेंगे। फिलहाल हम डल लेक के किनारे किनारे जा रहे हैं, ये रास्ता सीधा परी महल जाता है, आप देख सकते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शिकारा पोस्ट ऑफिस है, ये डल झील के अंदर का एक पोस्ट ऑफिस है, इसको बोलते हैं शिकारा पोस्ट ऑफिस। ये देखिए नेहरू पार्क डाकघर, ये किश्ती के अंदर बना हुआ पोस्ट ऑफिस, जिसे हाउस बोट भी बोलते हैं। तो ये हाउस बोट में पूरा एक वर्किंग कंडीशन में पोस्ट ऑफिस है, ऑपरेट करता है यहाँ से। हेलो गाइस, और मैं अभी पीछे बैठा हूँ। मतलब आप अगर यहाँ पर आए तो ये जो यहाँ के नज़ारे होते हैं उनको इन्जॉय करें, बड़े ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। डल झील के किनारे बाइक चलाने का मज़ा मतलब बयान नहीं किया जा सकता। सामने कितना सुंदर नज़ारा है मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे डल और सामने आपको दिखेंगे ये पहाड़, सुंदर पहाड़, खूबसूरत बहुत ही। ये देखिए, और आप देख पा रहे हो चारों तरफ पहाड़ों पर ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, और ये नीचे डल लेक। ये देखिए रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है,
आपको ये मज़ा जो आएगा ना ओपन व्यू, ये आपको बस अपनी ही बाइक या स्कूटी से मिल सकता है। और हम दोनों प्रीफर करते हैं, हम दोनों जहाँ भी साथ जाते हैं कि हम लोकल साइट सीइंग बाइक या स्कूटी से करें, अगर अपनी नहीं है तो रेंट कर लें, तो उसमें आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। अदरवाइज टैक्सी तो आपको हर जगह मिल ही जाएगी। तो अभी हम श्रीनगर से निकल रहे हैं, आपको रास्ते में जो जो देखेंगे वो बताते चलेंगे। झील के अंदर फाउंटेन अगर आपको देखना है, झील के अंदर फाउंटेन, ये देखिए, ये आप लोगों के लिए रुक रहे हैं हम, कि आप लोगों को भी हम व्यू दिखा सकें। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। असली नज़ारा आपको थोड़ा आगे आएंगे ना, जहाँ पे पॉइंट बने हैं शिकारा के, वहाँ पर आपको वो व्यू नहीं दिखेगा डल लेक का, जो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा मुश्किल ही आपको उस साइड से मिल पाएगा। यहाँ पर देखिए साथ में आपको पहाड़, फाउंटेन, और कितना क्लियर आपको व्यू दिखेगा उसका। ये उधर की साइड भीड़ ज़्यादा है। हम मुड़ के सीधे, हमारा ये रोड जो जा रहा है ये है सीधा कपरी महल पर जा कर के ख़त्म होगा। बीच में हमारा बोटिकन गार्डन पड़ेगा और चश्मे शाही पड़ेगा। ये है बोटिकन गार्डन, लेकिन आप फिर इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कपरी महल। ये हूँ मैं, ये है पीछे आफ्ताब लगा हुआ है कैमरे में क्लिक करने के लिए, और हम आ गए हैं पुरी महल। अभी आपको काफ़ी कुछ दिखाना बाकी है। अभी यहाँ से जब हम जाएंगे तो हम जाएंगे चश्मे शाही, यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक ही पड़ता है नीचे उतरने के बाद। अभी ये पुरी महल में है, उसके बाद आएगा बॉटनिकल गार्डन जो रास्ते में हमें पड़ा था, अभी हमने उसको देखा नहीं है, अंदर से जाके हम आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम पुरी महल ही को आपको दिखा देते हैं। यहाँ का व्यू तो आपने देख ही लिया है। ये पीछे इसका एक और फ्लोर है, अभी हम आई थिंक सेकंड फ्लोर पे हम अभी ऊपर आए हुए हैं। इसके बाद एक और फ्लोर है, वहाँ से भी आपको व्यू दिखाएंगे। अब ऊपर पहाड़ों के ऊपर तो बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये काफ़ी श्रीनगर से काफ़ी ऊँचाई पर है। अभी हम ऊपर जाएँगे तो फिर वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं।
चश्मे शाही ये चश्मे शाही है भाई, परी महल अब अभी हम पीछे छोड़ कर आए हैं। काइंड ऑफ गार्डन यू कैन से, यस काइंड ऑफ गार्डन। ये चश्मे शाही का पानी ऊपर पहाड़ों से आता है झरने के रूप में बहते हुए। ये ताज़ा पानी है, बिल्कुल साफ पानी है, पीने लायक पानी है। यहाँ से लोग बोतल भी भर रहे हैं, तो देखिए कि आफ्ताब साहब पानी पी रहे हैं। ये क्या किया आपने अभी? टेस्ट किया कि वाकई में ओरिजिनल टेस्ट पानी का, जो कि पहाड़ों से डायरेक्ट आ रहा है विदाउट फिल्टरिंग। नहीं, जो आप वही फिल्टर का पानी पीते हो उसके जैसा है बिल्कुल, या उससे अलग है? उससे अलग ही टेस्ट है, नेचुरल टेस्ट नहीं हो सकता ना फिल्टर। ये चश्मे शाही है, इसको चश्मे शाही कहते हैं। ये जो झरने का पानी बह रहा है ये ताज़ा पानी है, बिल्कुल ताज़ा पानी है। एक चोटी टाइप उधर से लगाई हुई है और एक चोटी टाइप इधर से लगाई हुई है, ये चश्मे शाही है। ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों के ऊपर, देखिए शायद आपको दिखाई दे। ये मेन बिल्डिंग है जिसमें शायद की जहाँ से सोर्स ऑफ वाटर है, और यहाँ से होते हुए ये पानी जा रहा है ऐसे बिल्कुल वहाँ पर।